बड़ा है और सो इतना फेमस है कि इसका एक बाइट किसी इंसान को मारने, दोस्तों देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए, हेलो दोस्तों, मैं विशाल, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सो ये सोनबरसा गांव है जो कि हमारे यहाँ से सो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और सो मेरे बैकग्राउंड में आप लोग ये मकान देख सकते हैं, एक दुकान है और इस दुकान में दोस्तों एक बिग साइज का इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा सांप लोगों द्वारा देखा गया है। तो आप हमारे वीडियो के अंदर बने रहिएगा और आइए उस सांप को पकड़ के निकाल के दिखा दे कौन सा सांप है और कैसा सांप है। आइए आइए भैया, दोस्तों देख सकते हैं पूरी ये दुकान है और लोगों द्वारा इसी दुकान में दोस्तों बिग साइज का इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा सांप देखा गया था, ऐसा लोग फोन में बताए हैं। तो आइए देखते हैं भैया, इसमें से किधर नहीं गया है? आखिरी बार कहाँ देखे थे आप लोग? इसके नीचे है। चलिए ठीक है, आप चप्पल पहने आप दूर है क्योंकि मान लीजिए पैर में बाइट कर सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें सामान वगैरह रखा जाता था और इसी के अंदर दोस्तों लोगों द्वारा देखा गया है। तो चलिए इसको उठाते हैं, देखते हैं। अब सो देखिए ये सफल, अच्छा ये सफाई हो रहा था क्या? नहीं, हाँ दोस्तों देखिए नीचे हो सकता है, इसे नीचे जगह है तो चलिए इसको उठाते हैं देखते हैं। हाँ ठीक है, दोस्तों इधर देखा, छोड़ आराम से अंदर, दोस्तों अंदर देख सकते हैं, अंदर होगा। और उसमें यहाँ पे भीड़ बहुत चौराहा है दोस्तों, देख सकते हैं रखे दोस्तों बिग साइज का इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा सांप आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ा है और सो इतना फेमस है कि इसका एक बाइट किसी इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। और दोस्तों ये अपना केचुली हाल ही में ही उतारा है और बता दोस्तों ये फीमेल है, औरत है, महिला है। और सो देख सकते हैं केचुली उतारने की वजह से कितना चमक रहे देख सकते हैं दोस्तों। और सो इसमें इतना जहर है कि एक बाइट करने पर इंसान की मौत तो 100% होगी अगर इलाज नहीं हुआ तो। जैसे पेंट की दुकान है आप लोग देख सकते हैं। चलो देख सकते हैं हाल में इसका केचुली भी है यहाँ पर, इसमें लग रहा है सो बहुत टाइम से थी और लोगों को पता बिल्कुल नहीं था और केचुली अपना उतारी है इसी में। तो सो देख सकते, चलिए इसको बाहर लेकर चलते हैं और आप लोग बाहर चलिए, दोस्तों देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए चले चलिए चले बाहर लेकर, बाहर लेकर चलिए दोस्तों देख सकते हैं बिग साइज की है। और सो ये औरत है, बता दे मादा है, फीमेल है। देख लीजिए जिसको देखना है, यही था ना। अरे भाई आराम से, गिरे मत गिरे मत गिरे मत, अरे नहीं नहीं गिरे मत, यही था ना भैया। ये कई सांप आप लोग देखे हैं ना? चेक कर लिया आपने? ठीक ठीक है, काफी बहुत बड़ा है यार। और यहाँ पर पीछे कुछ है क्या, कंजास वगैरह? मतलब खेत उधर देखिए, क्या देख लीजिए, वे कोबरा सांप है, गोहुमन सांप जानते हैं ना आप लोग, गोहुमन है ये, इसी को आप लोग नाग भी कहते हैं, गोहुमन है, इंग्लिश में इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा सांप है। हाँ सारा नाम इसी का है, देखिए। चलिए दोस्तों इसको ज्यादा ना छेड़ते हुए इसको हम डाल लेते हैं, आप लोग चाहेंगे तो मेरा वीडियो यूट्यूब पर भी आप लोग आसानी से देख पाएंगे। विशाल स्नेक डालिए आप यूट्यूब, बस विशाल स्नेक सेवर, हाँ ढाड़ा के, ठीक है वो है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सांपों का मेरा वीडियो आता है, सांप पकड़ जंगल में छोड़ने का, तो आप लोग आसानी से देख पाएंगे उस पर, ठीक है। ये बहुत वीडियो है इसका, ठीक है। इसको दोस्तों डाल लेते हैं झोले में, इस दोस्तों इसमें रिस्क है और रात का टाइम है दोस्तों, और दोस्तों एक बार बाइट करेगा तो दोस्तों आराम से चला गया। दोस्तों देख सकते हैं चला गया आसानी से, चलिए काम खत्म हो गया भैया। इसी का मैं वीडियो बनाता हूँ, सांप पकड़ के जंगल में छोड़ने का मेरा वीडियो आता है यूट्यूब पर, आप चाहेंगे तो आसानी से देख पाएंगे, आपके पूरे एरिया का वीडियो है, ठीक है। यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे पूरा, यूट्यूब पे आप पूरा डिटेल्स आप लोग पा जाएंगे। और सांप से कभी कोई समस्या हो, सांप किसी को काटे या फिर सांप कहीं दिखाई दे तो आप लोग मारेगा मत, मेरे पास एक बार फोन जरूर करिएगा, काट ले तब भी हाँ फोन करेगा ताकि मुझे प्राथमिक उपचार मतलब जानता हूँ,
मतलब फर्स्ट एड होता है ना, हॉस्पिटल तो भाई जाना है ये सांप काटे तो, हम मैं प्राथमिक उपचार करता हूँ, तो अगर आप बताएंगे तो किसी की जान आसानी से बच पाएगी, ठीक है, क्योंकि अब सांपों का टाइम अब आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अब सांप निकलेंगे सब, जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे सांप दिखाई देंगे सब, तो ठीक है बताएगी जरूर, चल ठीक है। हाँ यही का उसी का ही वीडियो हम लोग बनाते हैं, सांप पकड़ जंगल में छोड़ने का ही वीडियो देखेगा। जैसे आप सबने देखा है वीडियो में, सोनबरसा गांव था, चौराहा था दोस्तों, सोनबरसा चौराहा है, और वहाँ पर सो एक बिग साइज का इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरे सांप का हम लोग रेस्क्यू किए हैं, और देखिए रेस्क्यू करके वहाँ से हमारा जंगल तो बस दोस्तों 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर था कुछ भी जंगल, तो हम लोग सोचे कि दोस्तों इधर से ही इसको रिलीज करके, क्योंकि दो सांप थे ऑलरेडी मेरे झोले में, एक सांप था छोटा सा था, तो उसी में लोग हम लोग डाल के, और देखिए रात के टाइम में जंगल हम लोग आ गए हैं, और सब ज़्यादा जंगल से बहुत ठंड महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है ठंड, तो चलिए दोस्तों समय ना गवाते उसको हम लोग रिलीज करते हैं और यहाँ से निकलते हैं जल्दी से फटाफट के अंदर तुरंत। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी बिग साइज का कोबरा सांप था, और चलिए पहले इसको हम लोग यहाँ पर रिलीज करते हैं, और रिलीज करके सो एक फील्ड है उसे पूरा जंगल वगैरह झाड़ियाँ वगैरह है, और इसको इधर ही रिलीज कर देंगे दोस्तों। दोस्तों दो सांप है, मैं वहाँ सोनबरसा में एक ही कोबरा रेस्क्यू किया था जो कि आप लोग देखे हैं, ब्लैक कलर का बहुत ही डेंजरस कोबरा सांप था, और एक ऑलरेडी मेरे पास सांप था वो रेस्क्यू में किया था, छोटा सांप था, उसका वीडियो मैं बना नहीं पाया, लेकिन देखिए छोड़ने के लिए दोनों को एक साथ ही मैं रिलीज करूँगा। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं एक दोनों सांप यही हैं, और उसको बता दें कि देखिए छोटा वाला है और जो कि दिन में मैं रेस्क्यू किया था, और उसको ये देखिए काफ़ी खतरनाक, और एक रेस्क्यू देख सकते हैं उसको कितना गुस्सेल है, और फन काट के रात में बैठ गया, और देखिए छोटा वाला सांप देखिए धीरे धीरे अपने झाड़ियों में जंगल में कहीं ना कहीं चला जाएगा, और देखिए ये है पूरा गुस्से में, एक बार दिखा दीजिए किस तरह रात के अंधेरे में उसको बैठ गया है। अगर यही दोस्तों रात में अगर कहीं घर बाहर कहीं बैठा मिल जाए तो लोगों की तो कई हिम्मत है, तो चलिए दोस्तों इनको हम ऐसे ही रिलीज कर देंगे यहाँ पर ताकि ये चले जाएँ, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे तब तक ये भी महाराज जी ऐसे ही खड़े रहेंगे, तो हमें भी निकलना है दोस्तों क्योंकि अब रात बहुत ज़्यादा हो रहा है और सो ठंड भी ज़्यादा इसमें महसूस हो रहा है, तो चलिए इनको छोड़ के निकलते हैं, आइए